छोड़ दो, नताशा छोड़ दो। प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। नहीं भाई, आज मैं जिस मकाम पर हूँ ना, इस इंसान की वजह से हूँ, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। तुम इस अवारा लड़की की बातों में आकर मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं वरना क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुम मत भूलो, अगर मैंने तुम्हारे घर वालों को बता दिया कि तुम इस आवारा लड़की के साथ रह रही हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बचेगा तो तू भी नहीं कमीने, मेरे घर वाले सिर्फ मुझे नहीं मारेंगे, तेरी भी कब्र साथ बनाएंगे। माही, साहब जी बड़े साहब ने छोटे साहब को ढूंढने गए और छोटे साहब मालूम नहीं किधर गए। आप चलो अंदर। अच्छा, इधर इधर नहीं इधर बाहर। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बताऊंगा ही किधर है। वो नताशा के साथ है। कौन नताशा? वो बहुत बुरी लड़की है, मैं माई को लेने उसकी तरफ ही गया था। वो मेरे साथ नहीं आना चाहती और वो उसके साथ रहना चाहती है। मैंने पूछा वो लड़की है कौन? वो कॉल गर्ल है, मेरे पास उसका पता है। क्या बक रहा है तू? तुमने आज तक अपनी कजन का नंगा सर बर्दाश्त नहीं किया, इस कमीने की वजह से उस गलीज घर में रह रही है। यह सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती। मारते गोली मेरे कलेजे में। इसे यहां मार दिया है।
माही को वहां जाकर मारेंगे। छोटे साहब जी, बड़े साहब को फोन करती हूँ, बताती हूँ उनको कि साल मैंने मेरे छोटे साहब को मार दिया मेरे छोटे साहब को, बड़े साहब को मार के मेरे साल मैंने मार दिया मेरे। साहब जी मेरे छोटे साहब को मार दिया उन लोगों ने, बाबरी ने मारा मेरे छोटे साहब को मार को मैं देखती हूँ। मेरे साथ फिर गया है, अगर कोई मिल जाता तो मार देता। मैडम ये नंबर लिखे हमारे, जरूरत हो तो बता देना।
सारा खौफ अपने दिल से निकाल दो। होटल काफी अच्छा लग रहा है और इस तरह के होटल्स सेफ होते हैं। अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं। मेरी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में फंस जाओगी। मुझे मुसीबतें झेलने की आदत हो गई। मेरे लिए तो हर दिन, हर लम्हा, हर पल एक मुसीबत ही है। जी साहब जी, आप लोगों के लिए इतने काम करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, इसलिए मैंने अपने हाथों से ये खाना आपके लिए बनाया सर जी। मुझे ये हाथ दे दे ठाकुर। वो मजलूम आदमी उसको ठाकर बनाया जा रहा है। भाई बात ये है कि तुमने तो हमारे बिल्लू को भी पीछे छोड़ दिया हांडी बनाने। शुक्रिया साहब जी। ओ शुक्रिया को छोड़, आजकल जरा सर्दी बढ़ रही है, मच्छी का मौसम आ रहा है। हाय हाय हाय, जरा किसी दिन मच्छी तो खिलाना। इनको मच्छी खिला दो और मुझे एक अदर रजाई ले दे, बड़ी सर्दी लगती है। ओ साहब जी, आपके मुंह से जो निकलेगा पूरा करेंगे। और तू ना बीच में बोला कर, तुझे कितनी मर्तबा का है? आज तूने 6 बोटियां खाई हैं। साहब जी, आप हमारी यहाँ बोटियां गिर रहे हैं। अपने मतैतों की हर हरकत पे नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, ज्यादा बकवास नहीं करनी। अपना तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम साहब जी नबील है। नबील, अच्छा अच्छा। तो तुझे मैंने ये कहा था कि अपने बहनोई की तस्वीर लेके आना, जो कातिल है वो लेके आया? साहब जी हाँ लाया हूँ मैं उसकी तस्वीर। हाई शाबाशे, हा हा हा, इसको कहते हैं करेक्ट टाइम पे काम करना। यार ये शक्लो सूरत से तो बड़ा सीधा साधा और शरीफ सा लगता है। साहब जी, शक्ल अच्छी होने से इंसान अच्छा नहीं होता, अच्छे अमल करने से इंसान अच्छा बनता। इस जालिम ने मेरी बेगुनाह बहन को कत्ल किया। ओए होए, हौसला कर हौसला कर, मैं तेरा दर्द समझता हूँ नबील, कोई ऐसी बात नहीं। तू घबरा ना, ये बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा और तू मुझे खुश होके कहेगा हाई शाबाशे। साहब जी, ये खूनी है, इसको फांसी होनी चाहिए साहब जी, फिर ही मुझे मेरे दिल का सुकून मिलेगा। अगर तू दाल दो दालियां सेवियां मंगा लो तो फिर शायद उसको फांसी भी हो जाए। और ठहर जा ठहर जा, जल्दी पकड़ लेंगे इसको। जब तू होने वाला था ना, तो तेरी माँ का चिल्ला करवाने मैं ही गई थी। पूरे 2 महीने तक मैंने तेरी अम्मा को चरपाई से नीचे कदम नहीं रखने दिया। और फिर तुझे ना कुर्ती भी मैंने ही दी थी, अपना जूठा शहद चटा के। पर तू ना ना मुझ पे गया, ना ही अपनी माँ पे। तू अपने ना बिश्ती बाप पे गया है। हर वक्त चुप रहता है, वो भी हमेशा ही चुप रहता था। पर जब तू 12 साल का हुआ ना, तो मेरी सलमा जवान हो गई। फिर मैंने तेरे बाप से कहा कि क्यों ना हम दोनों बहन भाई मिल बैठे। फिर अब्बा ने क्या कहा? वो तो चाहता था, पर तेरी मां ने उसे बांध रखा था। अब वो मर गई है, उसके बारे में क्या बात करूं मैं। वो ना अपने रिश्तेदारों में तेरी शादी करना चाहती थी, ना उसके दिल की पूरी हुई और ना ही उसने हम भाई बहन को बैठने दिया। मां, नाखून से गोश्त जुदा नहीं होता। आखिर तो सिकंदर हमें मिल ही गया। तू अभी तक सोई नहीं? तू भी तो जाग रही है ना अम्मा। अरे मैं तो अपने भतीजे से दुख सुख बोल रही थी। और मैं सुन रही हूँ।
चल अब ना सो जा, सुबह उठ के ना नमाज पढ़ लेना। पहले ना ये हर रोज नमाज पढ़ा करती थी, पर जब से तू आया ना ये सब कुछ ही भूल गई है। तेरे आने की ना मेरे से ज्यादा तो खुशी इसको है। तुझे लगता है नींद आ रही है? चल ठीक है तू सो जा। चल पुत्र उठ, शाबाश, हम भी चल के सोए, सुबह सवेरे जल्दी उठना है। चल शाबाश, आ जा। होटल में है सरकार, मेरी सहेली है साथ, घर पर कुछ लोग आए थे, हमें जान से मारना चाहते थे। मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे, पर मेरी सहेली की जान लेने पर तुले थे। तुम हमारे फार्म हाउस चली जाओ, हम भी दो चार रोज तक आएंगे। जैसे आपका हुक्म सरकार, हम सुबह ही चले जाएंगे। गुड नाइट। बहुत बड़े वडेरे हैं ये, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शहर के बाहर उनका फार्म हाउस है, कल हम वहां जाएंगे, वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इनसे? वडेरों के शौक और मुझ जैसी मजबूर लड़की के बीच में क्या ताल्लुक हो सकता है? जैसे इंग्लिश में कीप कहते हैं और उर्दू में रखेल। खैर छोड़ो, दार्जिलिंग मॉडल टाउन के एरिया में मशहूर बिजनेसमैन बकार अहमद के बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है। मकतूल का नाम आतिफ है और मकतूल के वालिद बकार अहमद का कहना है कि उसके बेटे को कत्ल करने वाला नवाब घर के मालिक नवाब फखरुद्दीन का भतीजा बाबर उर्फ बाबरी है, जिसने उसके घर में दाखिल होकर उसके इकलौते बेटे आतिफ को कत्ल कर दिया है। अरे वाह, क्या खबर है, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। मेरी बददुआ पूरी हो गई, बहुत अच्छा किया तेरे घर वालों ने। जो किसी को बर्बाद करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। चला माही का? माही ने घर से कदम उठाकर इस कदर मजबूर कर दिया था हमें कि आज बाबरी के हाथ खून से भर गए हैं। क्या माही? अगर मिल जाती तो उसे भी उस बेगैरत के साथ मार देता मैं। तुमने? हाँ, मार दिया उस बेगैरत को जिसने हमारी इज्जत का कचरा किया था। बाबा साहिब, मेरा मोती, वो रो रहा है, उसे दर्द हो रही है, उसको चोट लगी। बाबा साहिब, मेरा घोड़ा। क्या घोड़ा लगा रखी है, कुछ आगे भी तो बोलो।
वो उसे दर्द हो रही है, चलो मेरे साथ चलो। मुंशी सचो, खैर से आए हो? जी आपको तो पता ही है कि मैं तो हमेशा खैर से आता हूं, लेकिन एसपी साहब खैर से नहीं आए। आपके भतीजे ने वकार अहमद के बेटे का खून किया है। वकार के बेटे ने हमें बेवकार करने की कोशिश की। मैं यहां पर वजह कत्ल जानने के लिए नहीं आया, एक कातिल को गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि बाबरी को गिरफ्तार कर सके। नहीं बाबरी नहीं, चाचा हमारी कानून से कोई दुश्मनी नहीं, इनको कहे बंदूकें नीचे करें। तुम सिर्फ ये जानते हो कि मेरे भतीजे बाबरी ने खून किया है, लेकिन ये नहीं जानते कि जब किसी की इज्जत को उछाला जाए तो इज्जतदार लोग 101 खून करने से भी नहीं डरते। तुम बाबरी को ले जाओ। चाचा जो बोल रहा हूं वो करो। अदालतें हमारी वैली से दूर नहीं, ना ही हमारी पहुंच से। मैं जमानत करा लूंगा, जाओ। यस सर। हाथ कड़ी लगाओ इसे। जी बेहतर सर। सरकार का लाडला घोड़ा खाई में गिरा है, उसके टांग की हड्डी टूट गई है। बाबा साहब मेरे साथ चले, उसको चलो उसको दवाई दे। चल चल बाबा साहब, मेरा मोती, उसको उसको दर्द हो रही है, उसको उसको ठीक कर दे। आज ये देखे मोती मोती, बाबा साहब आ गए, अब तुम ठीक हो जाओगे तुम। मुंशी डॉक्टर को चेक करवाए, क्या कह रहे हैं वो? जी सरकार, डॉक्टर को चेक कराया है, उसने एक्सरे किया है, बोलता है दो जगह से टांग की हड्डी टूट चुकी है। वो
मोती, गोली इसलिए मारी है कि वो तकलीफ में था। चंदू, जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे गोली मार देते हैं, वो मर जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है, उसकी तमाम तकलीफें और दर्दें खत्म हो जाती हैं। अब देखो किस कदर सुकून से वो सो रहा है। सो गए? हाँ, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, रोए जा रहा था। क्यों, रोने की क्या बात है? आपने उसके घोड़े को गोली जो मार दी। गोली इसलिए मारी थी कि वो लंगड़ा हो गया था। सरकार, मुंशी कोई खास बात करना चाहता है। भेजो उसे। सलाम सरकार, मेरे एक जानने वाले ने बताया है आपके यार फखरुद्दीन के भतीजे बाबरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों? उसने शहर में किसी का खून कर दिया है। खुशबख्त, ठीक सुना है तुमने, बाबरी के हाथों खून हो गया। किसका और क्यों? शहर में किसी प्लॉट के कब्जे में झगड़ा हो गया था। अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझे एक फोन कर लेते, दोस्त किस लिए होते हैं? अब तो हमारे बीच रिश्तेदारी भी है। छोड़ो यार, ऐसे बोझ उठाने के हम आती हैं। करवा लूंगा बहुत जल्द जमानत में बाबरी की। शहर वकील से मिलने जाने वाला था कि तुम आ गए। मैं तो इनको जबरदस्ती लेके आई हूं, सोचा कि इसी बहाने अपनी बहू से भी मिल लेंगे। बहू? हाँ भाभी, कब से आए बैठे हैं? कहाँ है हमारी बहू? मिलने नहीं आई, अब तो इम्तिहान भी खत्म हो गए उसके। जी, वो अपनी सहेली की शादी पर गई है। इस्लामाबाद, मेरा ख्याल है शायद कल तक आ जाएगी। अच्छा, वो आए तो मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। और मेरी तरफ से हमारी बहू को। नहीं यार, रहने तो, इसकी क्या जरूरत है? कैसे हो सकता है कि बहू के घर पे आए और उसे कुछ दिए बगैर चले जाए? ये अमानत है उसकी, वो आए तो उसे दे देना। चलो सईदा, अब चलते हैं, फखरुद्दीन ने भी शहर जाना है। अच्छा भाई, तो ये मान अल्लाह। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज।
सलमा, अरे ओ सलमा। जी अम्मा। देख तो बाहर कौन है। मैं आटा गूंद रही हूँ अम्मा। अरे इसे छोड़, पहले बाहर देख, कोई बहुत जल्दी में लग रहा है। सिकंदर गया है अम्मा। तेरा नाम सिकंदर है ना? जी जी। रेलवे में नौकरी करता था ना? साहब आपसे मिलना चाहते। खाला अजरा घर में है। और कौन है? ओ तू आ गए? जी मैं खाला। चल निकाल जल्दी से मेरी 2000 रुपया कमेटी, और सबसे पहले तो 200 रुपया जुर्माना दे तू। जल्दी कर। ये ले खाला 2000 रुपया, 200 रुपया लेस कर दे। असल में ना तरहा लेट हो गई थी इसलिए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तू तनख्वाह पे कितना सा गुजारा करता है। चल जल्दी कर, 200 रुपया निकाल जुर्माने का जल्दी से। आज 12 तारीख हो गई है और 10 तारीख के बाद ना 200 रुपया जुर्माना होता है। इस बार लेट होने की माफी दे दे। आइंदा 10 तारीख को कमेटी ना पहुंची, जो तू चाहेगी जुर्माना कर देना। जो सजा देगी तेरा बेटा सर झुकाकर कबूल कर लेगा। चल चल मस्के ना लगा, अब के बार छोड़ रही हूँ, दोबारा माफी नहीं मिलेगी। बड़ी मेहरबानी खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल तू तो अंदर आ। ये ले खाना। चल सिकंदर पुत्र खाना शुरू कर। सलमा तू ना ये कमेटी के पैसे संभाल के रख दे। अम्मा राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, चीनी भी नहीं है, घी एक दो दिन और चल जाएगा। अच्छा अच्छा ले आऊंगी। हाँ पर मुझे याद आया, मुझे तो आज कहीं जाना है। कहाँ? वो तो फैल है ना, उसकी बेटी का रिश्ता कराने जाना है। तू ऐसा करना, वो जो घर में 3000 पड़े हैं ना, वो तू सिकंदर को दे देना, ये ले आएगा। अम्मा सिकंदर मेहमान है, क्या सोचेगा? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अब मैं इस घर का फर्द हूँ, और ये जो बाजार से सौदे लाने वाला काम है ना, ये काम भी मुझे सौंप दे, मैं ले आया करूंगा। मामा साईं, बाबा साईं ने मेरा घोड़ा मार के मुझे सबक दिया कि जब कोई मरता है ना तो फिर ही सुकून मिलता है। हाँ जब कोई मरता है तो फिर सुकून मिलता। जब कोई क्या उठपटांग बातें कर रहे हो, कभी चुप भी रहा करो। आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, शायद शहर गए हुए काफी दिन हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता, तो फिर ही सुकून मिलता। जब कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता, जब कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता, जब कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता। सरकार आपकी मेहमान पहुंच गई है। अच्छा बात कराओ मेरी। बेहतर सरकार, सरकार आपसे बात करना चाहती है। हेलो हाउ आर यू? बहुत उदास हूँ आपसे। कब बख्श रहे अपने दीदार का शख्स? प्रॉमिस
ओके गुड इवनिंग। कमरुद्दीन ये हमारे खास मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखें। जैसे आपको हुक्म करता है। कोई खास मेहमान है जिसकी बहुत मेहमान नवाजी हो रही है? मेहमान कोई भी हो खास ही होता है, आम नहीं।